को अजीब सा लग रहा है क्योंकि वो मतलब थोड़ा दूर ही चला गया है मतलब। हाँ हालांकि वो आएगा, थोड़ा अलग से ब्लॉक रहेगा। तो अब ये जा रहा है और बहुत दूर जा रहा है। मैं आगे बताऊंगा कहाँ जा रहा है। जा रहे हैं उधर से क्योंकि मैं खुश भी हूँ और मैं थोड़ा अंदर से सैड भी हूँ, तो मिक्स फीलिंग है, बोल नहीं सकता क्या है, तो समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ। और देखना तुम इस ब्लॉग को अच्छे से, क्योंकि ये थोड़ा ऐसा है जो मतलब कोई दोस्त है जो मेरा कहीं जा रहा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और थोड़ा सा समझ नहीं पा। तो ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करता हूँ और थोड़ा अलग से ब्लॉग रहेगा, तो पता नहीं मैं कैसे बना पाऊँगा इसको कैसे, तो देखते हैं। हमारे साथ यात्री हैं, तो आप सबको मिलवाया जाता है इनसे। चंद्रभूषण जी आ रहे हैं ना। हेलो, तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी एयरपोर्ट जा रहे हैं हम लोग, और वहाँ से हम लोग उड़ेंगे अलग अलग जगहों के लिए, आपको दिखाएंगे, मजा आएगा। ब्लॉग में बने रहना, आप सामने से गाड़ी आ रही है तो थोड़ा साइड चढ़ के चलाता हूँ। हम लोग फाइनली भी पहुंच चुके बिलासपुर, अपन थोड़ा सा कुछ खाएंगे पिएंगे और उसके बाद निकलेंगे उसलापुर के लिए। और अभी ये ब्रिज का नज़ारा देखो, काफ़ी सही सा है, मज़ा आ रहा है। चलो काफ़ी टाइम तो कोशिश कर रहा था वीडियो लेने की, पर स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, पता नहीं इसमें आ रही कि नहीं आ रही है, तो उसका देख लो थोड़ा। एक्चुअली वी हैव ऑलमोस्ट 1 hour 30 minutes, सो वी डोंट नो व्हाट वी डू। यस, वी स्टिल हैव सम टाइम, सो वी विल जस्ट गो समवेयर, मोस्ट प्रोबब्ली टू द KFC बिकॉज़ ही जस्ट वांट टू हैव सम प्रोटीन इन हिज बॉडी। सो वी आर जस्ट गोइंग एंड यू विल हैव सम मोर वीडियोस लेटर। Okay. तो ये हमारे बीच में ये तो जैसा ही था, अब मैं समझाऊंगा तुमको बाद में। मेरी गाड़ी सामने जाएगी ना, और ये देखो सामने चाचा आ रहे हैं उधर से। तो अब ये जा रहा है और बहुत दूर जा रहा है, मैं आगे बताऊँगा कहाँ जा रहा है, उसको बाय बोल दूँ और देखते हैं। ठीक है ठीक है, जा रहे हैं। 4 साल बाद आए, 4 साल बाद चुप करके ट्रेन भगा देगा। तो गाइस जा रहा है, 4 साल बाद आएगा। ध्यान रखना, कौन से पैसे? अबे पैसे मत भी ना तू मेरे को, तू आ जाना था, मैं आ जाऊंगा फिर। तो गाइस मैंने छोड़ दिया है चंदू को स्टेशन, और वह ऐसे निकला है अभी दिल्ली, और वहाँ से निकल जाएगा वो लंदन। तो बात ऐसा है कि चंदू है मेरा बेस्टी, और काफ़ी लंबे समय से हम लोग साथ में रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग एक साथ रह के सीखे हैं, आगे बढ़ रहे थे और काफ़ी अच्छे से कर रहे थे और कर रहे हैं, है ना। और आज वो चला गया है अपने नेक्स्ट लेवल में,
काफ़ी सही है। और वो गया लंदन अपने पढ़ाई के लिए, फॉरन स्टडी के लिए, पीएचडी के लिए। और मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है क्योंकि वो हर समय मेरे साथ रहा है। और कुछ भी हो, कैसा भी टाइम रहे, कैसे भी चीज़ रहे, हम लोग हर चीज़ को डिस्कशन करते थे और सपोर्टिव है बहुत ज़्यादा वो। और हम दोनों लगभग एक जैसे हैं, पर मेरे को अजीब सा लग रहा है क्योंकि वो मतलब थोड़ा दूर ही चला गया है। मतलब हाँ, हालांकि वो आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन समझ सकते हो शायद एक बेस्ट फ्रेंड का मतलब क्या होता है। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है। और यही था, काफ़ी दिन से था और थोड़ा भी अजीब सा खुद लग रहा है मेरे को। और वो भी चला गया है और बस वही था। क्या बोलूँ, समझ में नहीं आता। खुशी भी है और एक तरफ तो ऐसे ही कुछ है। और मैं जा रहा हूँ फिलहाल अब घर की ओर, कुछ काम है जो भी निपटाऊँगा और हो सकता है लेट हो जाएगा जाने में। लक्की वैसे भी मिलना है, तो भी जा रहे हैं, अभी मैं कोरबा साइड से ही जाऊँगा। चला रहा था गाड़ी कंटिन्यू, पर देख सकते मैं और मेरी तनहाई साथ चलते अपनी गाड़ी में तो ये था कुछ सिनेरियो। और पता नहीं आ रहा, देखते हैं आगे। तो निकलता हूँ थोड़ा, अब टाइम हो चला है तो निकलते हैं।